नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बालू खनन को लेकर। बिहार में बालू को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर लगी रोक को पूरी तरह से, एक तरह से कह लें कि रोक पर एनजीटी के आदेश में जो है संशोधन कर दिया है। इसमें राज्य में बालू खनन पर लगी रोक कुछ प्रतिबंधों के साथ समाप्त कर दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 हफ्तों के बाद होगी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने यह आदेश बिहार सरकार की अपील पर गुरुवार को सुनाया है। अदालत ने कहा है कि खनन पर पूर्ण रोक लगने से अवैध खनन का बढ़ावा मिलता है, इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जब खनन को बैन किया जाता है, इससे अवैध खनन में तेजी आती है, इससे रेत माफियाओं में भी टकराव होता है, क्षेत्र का अपराधीकरण होता है और लोगों की जान भी जाती है। इससे कोई संदेश नहीं है कि निर्माण कार्य के लिए रेत की बहुत जरूरत है। एनजीटी ने 14 अक्टूबर 2020 को दिए आदेश में कहा था कि राज्य विशेषज्ञ संतुति प्राधिकार और राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति बालू खनन के लिए जिला सर्वे रिपोर्ट को मंजूरी नहीं देती है, तब तक खनन नहीं किया जाएगा। इस आदेश को बिहार सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने आदेश में कहा कि बिहार में रेत खनन के लिए सभी जिला सर्वे रिपोर्ट यानी कि DSR ताजा रूप में तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट SDM, सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, वन विभाग, भूगर्भ विभाग या फिर माइनिंग अधिकारी की सब डिविजनल कमेटी द्वारा तैयार की जाएगी। ये रिपोर्ट 6 हफ्ते में तैयार की जाएगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट यानी कि जो DM होंगे वो संस्तुति के लिए उन्हें राज्य विशेषज्ञ संस्तुति कमेटी SES के पास भेजेंगे। कमेटी इसके 6 हफ्ते में जांच करेगी। इसके बाद इसे राज्य पर्यावरण प्राधिकार आकलन प्राधिकार के पास भेजा जाएगा। ये प्राधिकार जिला सर्वे रिपोर्ट को मंजूरी देने के लिए 6 हफ्ते होंगे। अदालत ने यह भी कहा है कि इस संस्तुतियों को राज्य विशेषज्ञ संस्तुति कमेटी और राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार आवश्यक रूप से जनवरी 2020 की नीतियों के अनुसार खनन की मंजूरी देगा। अगले आदेश तक बिहार के स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के जरिए माइनिंग करने की अनुमति होगी। इस दौरान राज्य सरकार पर्यावरण के मुद्दों को ध्यान में रखेगी, जिससे पर्यावरण का क्षति ना हो। एक तरह से कह लें कि बिहार सरकार में जो NGT का मामला सामने आया था, इसमें बालू खनन को लेकर बिहार सरकार ने पिछले महीने में ही जो है रोक लगा दी थी। बिहार सरकार उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गई, उसके बाद से जो है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को और एक तरह से कह लें NGT को सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप जो है बालू खनन पर रोक नहीं लगा सकते हैं, आप जो है क्योंकि यह जो है बिहार सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है और दूसरी तरफ अगर कह लें कि कंक्रीट के डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं उसमें बालू जो है एक अहम भूमिका निभाता है, तो ऐसे में जो है बिहार सरकार के राजस्व को इससे घाटा हो सकता है। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी का गठन करने की बात कही और उसके बाद उन्होंने इसको लेकर जो है रिपोर्ट भी जारी करने की बात कही है। तो ऐसे में बिहार सरकार को जो है कुछ शर्तों के साथ बालू खनन पे जो है एक बार फिर से शुरू करने की बात कही है। साथ ही साथ बिहार सरकार को यह हिदायत भी दी गई है कि आप पर्यावरण संरक्षण पे भी जो है आप ध्यान देंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।